तो गहलोत सरकार की वजह से बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। चिरंजीव योजना में हमारे को 3 दिन वहाँ रखा गया हॉस्पिटल में, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ। शायद पैसा दे करके भी इतना बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट ने ये सुविधा चालू करी चिरंजीव की, बहुत अच्छी करी है, जो गरीब लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। सबका इलाज फ्री हो रहा है, इससे बहुत अच्छी योजना है। हम अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। जन आधार और चिरंजीव योजना कंपलसरी बना रखें और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, इन सभी लोगों की तरह राजस्थान में किसी का भी इलाज पैसे की कमी की वजह से कभी रुक नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान के प्रदेश वासियों को चिरंजीवी योजना का अमूल्य तोहफा दिया है। प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ इलाज नहीं होने की वजह से किसी भी तरह की भयावह स्थिति कभी ना आए, इस बात का प्रण लिया प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और राजस्थान को दी मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की सौगात, जिसके बाद प्रदेश के हर नागरिक का इलाज पूरी तरह से मुफ्त होगा और न सिर्फ सरकारी अस्पताल में बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज का कोई पैसा नहीं लग रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है 10 लाख का बीमा और 10 लाख के अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री है, जो मैं बार बार बोलता हूँ समझाने के लिए, जिससे कि गरीब आदमी की बात पहुंचे, मेरी आवाज हर घर में पहुंचे राजस्थान के अंदर। ये मैं चाहता हूँ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोकलियर ट्रांसप्लांट सब फ्री है। 15 लाख लगेगा, पैकेज अलग बना दिया उसके लिए। सरकारी अस्पताल में पूरा फ्री हो जाएगा, प्राइवेट जाओगे तो ही आपको 15 लाख 18 लाख का जो पैकेज वो मिलेगा आपको, वह भी मिलेगा आपको। कहने का मतलब ये, इतनी बड़ी योजना साथ में लिंक कर दिया, 5 लाख का बीमा कर दिया, मृत्यु होने पर कोई डूब जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो इसी योजना का पार्ट है चिरंजीवी योजना का पार्ट है। देश में नहीं, दुनिया में कहीं ऐसी स्कीम नहीं है। हर जिंदगी के साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी होती हैं। इलाज की कमी की वजह से अगर कोई जान चली जाती है तो उसके जाने से पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसी परिस्थिति राजस्थान में कभी भी किसी की भी ना आए, इसको सुनिश्चित किया प्रदेश की गहलोत सरकार ने। और प्रदेश के शहर ही नहीं बल्कि गांव-गांव के अस्पताल इस योजना के तहत लोगों का इलाज कर रहे हैं और आम नागरिक इसकी वजह से बहुत ही खुश और संतुष्ट नजर आ रहा है। सीने में दर्द हो रहा था, साइडों में दर्द हो रहा था, तो RUHS हॉस्पिटल गई सरकारी में, तो उन्होंने बोला CT स्कैन वगैरह करवाया, सोनोग्राफी करवाई, तो पता चला कि स्टोन की प्रॉब्लम है उसमें। इसमें 45,000 खर्चा आ रहा था। मेरा फ्री में उपचार किया उन्होंने चिरंजीवी ने, मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है चिरंजीवी में से, क्योंकि मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरे को फ़ायदा हुआ। मेरे बच्चों ने मेरा बहुत सहयोग किया उसमें। प्राइवेट में जाने के हिसाब से मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, फिर भी मैंने पड़ोसी की कार, उनकी हेल्प लेके मैं RUHS पोर्टल जहाँ उन्होंने मेरे से जाते ही पूछा कि आपके पास चिरंजीवी योजना का कार्ड बना हुआ है। मेरे पास कार्ड बना हुआ था और वहाँ इलाज करवाया, मुझे इलाज में कहीं किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ। शायद उस टाइम मैं प्राइवेट में लेके जाता तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपये लगता, जो कि मेरे पास पैसे नहीं थे। आंखों में दिखना कम हो गया था मोतियाबिंद की वजह से, खर्चा 8-10 हज़ार आया है, हमारा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, चिरंजीवी योजना से मुक्त इलाज हो गया। अगर मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना को पूरी तरह से समझा जाए तो इसमें प्रदेश में हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज के लिए मिलता है 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ। इस योजना से अब तक प्रदेश के 1.35 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं। 1 मई 2021 से अब तक 28.34 लाख मरीजों को 3,277 करोड़ रुपए की राशि का मुफ्त इलाज दिया जा चुका है। इसमें साधारण बीमारियों के लिए 50,000 रुपए और गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर मिलता है। ये राशि पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए थी, लेकिन 1 मई 2022 को इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। प्रदेश में 12 लाख से अधिक मरीजों ने इस योजना के अंतर्गत लगभग 1400 करोड़ रुपए के निःशुल्क इलाज का लाभ प्राप्त किया है। सांस बिल्कुल आना बंद हो गया था,
फिर बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर सांस ही नहीं आ रहा था। इसके बाद हम गए थे वहाँ पे हॉस्पिटल, उसमें तो अमाउंट आ रहा था 1,00,000 रुपए का अमाउंट आ रहा था, बना हमारे को इसमें बहुत फायदा हुआ था। सीने में दर्द हुआ, थोड़ी देर तो हम ऐसे देखते रहे, फिर हमको लगा ज़्यादा ही खराब है तबीयत, तो हम हार्ट एंड जनरल हॉस्पिटल है सिस्किम में, वहाँ हम चले गए। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उन्होंने बताया कि साहब सीवियर हार्ट अटैक है और आपके जो है स्टेंट लग सकते हैं। तो उन्होंने कहा साहब इसमें खर्चा लगभग 3,00,000 रुपए करीब का जो है आएगा। 3,00,000 इकट्ठे करने में बहुत टाइम लगता है और उनके पास इतना टाइम नहीं था। पूछा भाई कोई आपने कोई कार्ड वार्ड कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ हो तो बताओ। तो मैडम ने कहा बोले नहीं हमने तो वो एक सरकारी चिरंजीव जो है वो करवा रखी है। इन्होंने कहा आप आधार कार्ड चिरंजीव के मंगवाइए और एक्टिव होगा तो तुरंत इलाज चालू हो गया। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, आर्थिक रूप से भी मानसिक रूप से भी, और मेरा परिवार जो है बहुत चिरंजीव योजना और राजस्थान सरकार की इस योजना का बहुत ऋणी रहेगा, आभारी है। इस योजना का लाभ प्रदेश का कोई भी नागरिक ले सकता है। सिर्फ 850 रुपए की मामूली प्रीमियम के साथ उनका 10,00,000 रुपए तक का पूरा इलाज मुफ्त करके प्रदेश की गहलोत सरकार हर परिवार के चेहरे पर खुशी लाने में कामयाब रही है।